एक बार तीर कमान से छूटे तो उसे अपना लक्ष्य पाना ही। चेष सिद्धार्थ भी यही कहते थे। हमारी एकाग्रता क्यों टूट गई? पता नहीं ज्येष्ठ, आखिरी क्षण न जाने मेरी आंख क्यों बंद हो जाती। इसका अर्थ है कि तुम अपनी आंखों को नियंत्रित करो। जानते हो, एक बार ज्येष्ठ सिद्धार्थ ज्येष्ठ देवदत्त ने चुनौती दी। उन्होंने अपना मोतियों का हार हवा में उछाला और कहा तीर से बिंदु। पता है ज्येष्ठ सिद्धार्थ ने क्या किया? उन्होंने उस हार को नहीं बल्कि उसके एक मोती को बींधा। लो फिर से शुरू कर। विभावरी, एक बात तो बताओ, यदि तुमने अपने दाहिने हाथ से पूजा की थाली पकड़ी हुई हो तो क्या तुम उसी दाहिने हाथ से पूजा कर पाओगी? मैं समझी नहीं दीदी, इतनी ना समझी। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे दोनों हाथ दाहिने हाथ ही तो है, एक नंद तो दूसरा महाराणा। मानती हूँ कि नंद को महादेवी प्रजापति ने जन्म दिया है, परंतु पालने वाली तो तुम, और जन्म देने वाली से पालने वाली का औदा बहुत ऊंचा होता है। तो मैं, अरे पगली, आज नहीं तो कल राजमाता होने का सुख तो तुम्हें ही भोगना। बस सिर्फ इतना ध्यान अवश्य रखना कि राहुल उस राज गद्दी पे ना बैठे। ये कैसी अटपटी बात हुई दीदी, आप फिर से कोई उल्टा पाठ पढ़ा रही है ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सोच रही थी। इस विषय को यही समाप्त करते हैं दीदी। कौन शाक्यों के सिंहासन पे बैठेगा इसका निर्णय स्वयं महाराज को करने दीजिए। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली विभावरी, मैं भी तो यही कह रही थी कि शाक्य सिंहासन पर कौन बैठेगा इसका चुनाव महाराज ही करेंगे, और वो ना तो राजा अमितोदन के पुत्र होंगे और ना ही राजा द्रोणदन के, है ना? वाह, क्या बात है, क्या निशाना था, शाबाश। राज गद्दी पर कौन बैठेगा उसका चुनाव तो तय ही समझो, परंतु मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा विभावरी, उस बात पर विचार अवश्य करना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। आपके मुख पर इतना तेज कैसे? कौन सी साधना की है आपने? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है? वैसे तो ज्ञान मैंने आचार्य कौंडिन्य, आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र से पाया है, पर मैं इन तीनों को जानता हूं। इनमें से आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र स्वर्गवास हो गया है, पर आचार्य कौंडिन्य अभी भी अपने साथियों के साथ काशी के समीप ऋषि पत्तन के मृगदाय में हैं। मेरा प्रश्न यह है कि उनमें से किसने आपको ये मुक्ति का मार्ग दिखाया? किसी ने नहीं, इस निर्जन पथ पर मैं अकेला ही चला, अपना दीपक स्वयं बना। कह सकते हो मेरा कोई गुरु नहीं। आप असत्य कह रहे हैं, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता।
आप अपने गुरु से उनका श्रेय छीन रहे हैं। परम सत्य की खोज तो अकेले ही होती है और उसका अनुभव स्वयं को ही करना होता है, और जो मिलता है वो इतना सरल और शुभ सत्य है। इसी क्षण मुक्ति है, इसी क्षण मोक्ष है। आप वेद और उपनिषद को नकार रहे हैं। अगर ये सब इतना सरल होता, इतनी साधारण सी बात होती, तो क्यों हमारे ऋषि मुनि सारा जीवन तप में गला देते? अरे जाइए जाइए, थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश देने। तप कठोर है। धन्यवाद आचार्य कौंडिन्य की दिशा मात बताने के लिए। गुरुदेव, ध्यान खंडित क्यों होता है? बद्रिका, ध्यान को एकत्रित करो। अग्नि बिखरे तिनकों से नहीं, एकत्रित लकड़ियों से सुलगती है। ऐसी आभा, ये गरिमा, ये निर्भीकता, जैसे वन में हिरन चल रहा है। आइए मुनिवर, वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। बड़े साधक, बड़े योगी जान पड़ते हैं। सिद्धार्थ, तुम वही पथ भ्रष्ट सिद्धार्थ? हम तक आने का कष्ट क्यों किया? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है, अब परम आनंद के द्वार खुल गए। अब यह निधि सबकी है, इससे मुझे सारे निद्रा में बेहोश लोगों को जगाना है, चैतन्य करना है। जिसने तपस्या छोड़ दी हो, उसे परम ज्ञान उपलब्ध हुआ, अन्न खाया, सामान्य लोगों की संगति की। मैंने आपसे कहा था मैं वो घास का तिनका अवश्य बनूंगा, मैं संपूर्ण संसार में समग्र हो गया, तब पूर्ण अद्वैत है, सुंदर है, शुभ है, सरल है। अब मैं सिद्धार्थ नहीं गुरुवर, आप मुझे अपनी अलौकिक दृष्टि से देखिए। मैं उस निर्दोष बालक की ओर देख रहा हूं जैसे मैंने ओम का अर्थ समझाया, और आज उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया।
इतनी बड़ी छलांग और मैं अपने तपस्या के अभिमान में अंधा इस छलांग को समझ ना सका। इस अंतिम बिंदु पर बड़े बड़े ज्ञानी आकर रुके, बहुत से भटके, यहां से छलांग लगानी है तो अपने अहंकार को मिटा दो। कठिन है? सरल है, बहुत सरल है। जैसे हम गहरी नींद में जी रहे हैं और अचानक आंख खुले तो हम पाए कि हम नींद से जाग उठे। अब इस ज्ञान से दुख और अंधकार में डूबी दुनिया को जगाना है। परंतु इतनी सरल बात, बिना किसी ढोंग, बिना अहंकार, बिना यज्ञ, बिना तप, बिना बलि, बिना साहूकारी के क्या लोग समझ सकेंगे? नहीं, ये पत्ता मत खाओ, ये पत्ता विषैला है। ये गुड़ लो, इसे खा लो। करुणावश उस शिखर से उतर कर आप हम लोगों के पास आए, इस मार्ग और उसका अनुभव सारी मानवता तक पहुंचाने। कर्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग मुझे इंगित किया जाएगा इस पहिए से। जो ज्ञान मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया उसी की ही बात कहता हूं। इस यात्रा में सर्वप्रथम आप ही मेरे शिष्य बनेंगे। आपकी करुणा से हम धन्य हों। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूम केतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं तब सब दुख चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है। वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। ध्यान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है, मैं और तुम में बांट दिया है, और इस विभाजन ने जीवन को समझने में भूल की। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता गया और लालच, मोह, तृष्णा की पकड़ उस पर बढ़ती गई। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र, बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बनी दीवार को और प्रबल करते गए। इसीलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा से।
चार आर्य सत्य हैं। एक, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। दो, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षण भंगुर है तो मार क्या हो। तीन, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो, जो आए चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। चार, इस मार्ग पे दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? ये अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं स्वयं धर्म हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। जो मार्ग मैंने खोजा वो समस्त मानव जाति के निर्वाण का मार्ग बनेगा। संघम शरणम गच्छामि। अनुज, इतनी प्रसन्नता। भाई महाराज, हमारे गुप्तचरों से सूचना आई है, उरुवेला के पर्वतों पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया है। परम सत्य को पा लिया है इस वीरों के वीर ने। मेरे पिता परम साधक, परम ज्ञानी, परम विजेता, अब मैं उनसे मिलूंगा। मैंने कहा था ना तुमसे, हमारे पिता घर आएंगे। अमितोदन, क्या ये सत्य है? सत्य है। पूरी प्रकृति बदल गई, आप तक संकेत नहीं पहुंचा। तुम क्यों इतनी प्रसन्न हो रही हो? प्रसन्नता की तो बात है आज, देवदत्त का रास्ता जो साफ हो गया। और बहुत शीघ्र ही मेरा देव महाराज का सिंहासन भी ग्रहण कर लेगा। सुना आपने, सिद्धार्थ का बिलवस्तु लौट रहा है। मेरे सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर पा लिए। धन्य हुआ मैं जो ऐसा पुत्र मुझे मिला। अब वो कपिल वस्तु आएगा और कौशल नरेश
अरे अनुज देख क्या रहे हो, मिठाई बंटवाओ, पूरी प्रजा में ये शुभ समाचार पहुंचा दो कि युवराज सिद्धार्थ लौट आ रहे हैं। अवश्य। सुख के क्षण में ये आंसू क्यों? अजय मेरे आनंद में स्वार्थ का मैल मिल गया है। सिद्धार्थ वापस आएगा परंतु एक चक्रवर्ती राजा के रूप में रहिए। मती मारी गई है तुम्हारी? ऐसा तूफान क्यों मचा के रखा है पुत्र? अभी तो खुशियां मनाने का समय है। फिर किस बात की खुशी? सिद्धार्थ के वापस लौट के आने की खुशी? परंतु अब सिद्धार्थ के आने से तुम्हें किस बात का भय है? वो तो सन्यासी बन के आएगा, शाक्यों के सिंहासन पर तुम ही बैठोगे। आप लोग तो बस एक ही बात की रट लगा के बैठे, महाराज बनोगे, महाराज बनोगे, सिंहासन पर बैठोगे। मुझे सिद्धार्थ के महाराज बनने की चिंता नहीं है। अरे मूर्ख, तो किस बात की चिंता है? मैं समझ गई, तू नंद को लेकर चिंतित है ना? परंतु देव, जब हमने सिद्धार्थ जैसे कांटे को सिंहासन के रास्ते से हटा दिया, फिर नंद का क्या है? आप समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? सिद्धार्थ अब और महान बन के लौट रहा है। कहीं कपिला वस्तु में ही आश्रम लगा के बैठ गया तो बहुत अच्छी बात होगी। यदि सिद्धार्थ ने यहीं पे आश्रम बना दिया तो महाराज के सीने पे सांप लौटेंगे और वो पहले से अधिक दुखी होंगे। नहीं, आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। यदि मैं महाराज बन भी गया तो सिद्धार्थ के सामने दो कौड़ी का मूल्य होगा मेरा। शाक्यों का दरबार राजमहल में नहीं, आश्रम में लगेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अर्थात हम विजयी होकर भी पराजित हो जाएंगे। सारा जीवन मैं सिद्धार्थ के हाथ पराजित होता रहा, लेकिन मैंने भी अब प्रण कर लिया है सिद्धार्थ की हर संपदा को अपने वश में करके रहूंगा। वो जो उसको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, यशोधरा। जैसे मकड़ी एक एक तार अपने अंदर से निकाल सुंदर जाल बुनती है, उसी प्रकार प्रकृति ने अपनी चेतना के धागों से सुंदर सृष्टि का सृजन किया। और इसी सुंदर सृष्टि में बुद्ध के सधर्म के मार्ग की वाणी दसों दिशाओं में गूंजेगी और सोई हुई मानवता जाग उठेगी। जो भी सधर्म के मार्ग से जुड़ना चाहे उसके लिए हमारे संघ के द्वार खुले हैं, फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये अद्भुत क्रांति है शाक्य मुनि। सदियों से मनुष्य ने मनुष्य को धन
जाति लिंग के आधार पर उत्पीड़ित किया। अब सब समान होंगे, सबको अधिकार है ये परम सत्य पाने का, जैसे हम सब ने प्राप्त किया। सब नश्वर है, सब झूठ है और सबसे कुरूप है यह जीवन। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मुझे। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर स्वयं मेरा अधिकार है। नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माता का अधिकार है, जिसने तुम्हारा लालन पालन किया उस पिता का अधिकार है। कितनी लंबी श्रृंखला है जिनके होने से आज तुम हो। तुम पर केवल अपना नहीं, उन सब का अधिकार है। उठो, क्षणिक आवेग था मन का, अब वो शांत हुआ? क्षणिक नहीं, जीवन में सब कुछ पाया, सुख धन ऐश्वर्य काम वासनाओं की तुष्टि, और वो सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर देखा एक बहुत ही गहन अंधकार पाया, बहुत ही गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही सूना बन पाया। जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, पर जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो स्वप्न था, जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर समझ गया कि ये भी स्वप्न ही है। एक क्षण ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? बाहर के सुखों को भोगने की कामना से आतृप्त रहो, बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। जीवन से घबरा, उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंतर की दिशा में मोड़नी होगी। कौन है आप और आपको कैसे पता? मैंने आपसे सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इतनी देर मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था पर तुम मुझे देख ना सके। तुम्हारी आंखें अंधी होकर हर ओर केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया को देख सकता है। सत्य है, आप महात्मा हैं। मैं दुखी हूं अपने अंतर मन से। मेरा नाम यश है, एक धनी वैश्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं थी, मैंने हर सुख भोगा, वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंदर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा, मैं और नीरस होता गया। कितने मनुष्य हैं जो कि शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, धन के अभाव से पीड़ित हैं, अन्याय से पीड़ित हैं, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित हैं। चारों ओर देखो यश,
इतना सुंदर। जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? क्योंकि मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। और अब तुम शांत हुए, स्थिर हुए, पर प्रकृति नहीं बदली, वो वैसी ही है। तुम्हारी आंखें बदल गई, किसी भी बात की अति चाहे सुख की ही हो केवल दुख को ही जन्म देती है। इसीलिए मध्य में रहो तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा, परम शांति पाओगे। क्या आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? हमारा जीवन सादगी से जुड़ा है, धरती हमारा बिछौना है और जो भिक्षा में मिले वही हमारा भोजन। जहां वैभव नहीं विवेक हो मैं उस तप के लिए तैयार हूं। हर कोई जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है, बस पहला पग उसे उठाना है। मैं तैयार हूं। तुम अपना शीश कटवा सकते हो? मैं अपना शीश देने को तैयार हूं। शीश देने की बात केवल एक प्रतीक है। शीश देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का शीश काट अपने गुरु के चरणों में रख सके। घोड़े पे बिठा के घुमाने भी ले जाएं। मैं सबको बता के आता हूँ। दादा महाराज, दादा महाराज। लो, मुंह मीठा करो। पिथाक के आने की खुशी। तुम और खुश? तुम्हें तो शोक मनाना चाहिए। छह वर्षों से जिस बात को लगातार दोहरा रहा हूं उसे यथार्थ देखने का मजा तो अब आएगा। देवी यशोधरा, क्या सोच रही है यार? कि सिद्धार्थ आ रहा है? कहना क्या चाहते हो? बेचारी यशोधरा, अपने पति की प्रतीक्षा में पति बन गई पर पति नहीं, सन्यासी लौटे। हमारा संबंध केवल शरीर का नहीं मन और आत्मा का है। तुम जैसे के लिए समझना ये असंभव है। क्यों भरे यौवन में वैधव्य योग काट रही हो यशोधरा? तुम्हारा प्रेमी तो अब भी तुम्हारे पास है। अपने युवा पुत्र को इस रूप में देखूंगी कभी कल्पना भी न की थी। उसे मृतक देख सकती थी आप?
आत्महत्या करने जा रहा था आपका पुत्र। इसके प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत दुख होता है, अपने यश के लिए क्या क्या सपने संजोए थे हम। सपनों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक गया था पिताजी, दिशाहीन व्यर्थ में जीवन गवा रहा था। आज मेरे जीवन में परम उद्देश्य जागा है। आज इसने जीवन के लोभ और माया के जाल को तोड़ा, इसका पुनर्जन्म हुआ है। ये मार्ग इसने स्वयं चुना है, जीवन के भेद को समझेगा, अरिहंत बनेगा, उस आनंद को पाएगा जहां सुख दुख की परछाइयों से मुक्त होगा। आप किस तरह का जीवन चाहते हैं अपने पुत्र के लिए? ऐसा जीवन जिसमें उसे खुशी मिले, जिसमें उसकी उन्नति हो। मां, पिताजी, मेरा सुख और उन्नति अब केवल इन कमल चरणों में है। मुझे आज्ञा दीजिए। रचित, ये मेरे पिछले जन्म का ही पाप होगा। आपका पुण्य क्यों नहीं? इतनी सदियों से हम अपने पाप दूसरों पर दोषारोपित करते गए, इसमें ग्रंथ और पंडित सहायक बने, हमने यज्ञ करवाए, बलियां दिलवाई। मैं कहता हूं बस, तुम स्वयं ही पाप का कारण हो और तुम स्वयं ही मुक्ति का द्वार बन सकते हो। महानुभव, आपका अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा? सदैव अपना आचरण स्वच्छ रखें। ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग, तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें, केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें, ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। आपकी हर बात हमारे जैसे सामान्य लोग भी समझ पा रहे हैं। क्या मैं और मेरे पति आपके भिक्षु बन सकते हैं? मैं ये नहीं कहता, मेरा अनुयायी बनने के लिए आप संसार छोड़ो। ये यश के चेतना की पुकार थी। आप जीवन के नित्य कर्म में रहकर भी मेरे अनुयायी बन सकते हैं। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। चार आर्यक सत्य हैं। एक, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। दो, इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना, जो वस्तु क्षण भंगुर है तो मार्ग क्या हो। तीन, मुक्ति के लिए
विवेक जगाना आवश्यक है, स्वयं को केंद्रित रखो, जो आए चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। चार, इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी।